पुनिया जो है मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब हुई है, तब से पूरे देश के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन इथेनॉल का बिहार बना है और बिहार ने जितनी छूट दी उस इथेनॉल पॉलिसी को देखकर पूरे देश ने बनाया और हमें 172 करोड़ लीटर का बिड किया, हमें कोटा 18 करोड़ लीटर मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी के केंद्र में बात करने के बाद वो कोटा डबल हुआ 36 करोड़ लीटर, और ये पहला यूनिट है जो ग्रेन बेस है। इस इलाके में मक्का बहुत होता है और यहाँ टूटे हुए चावल से यहाँ की भूसी भी बिजली बनाने में मदद करेगी, तो ये पहला प्लांट है और इसे बिहार का ही नहीं, ये देश का ग्रेन बेस पॉलिसी बनने के बाद पहला प्लांट है जो मुख्यमंत्री जी के दस्ते मुबारक से इनके हाथों से उद्घाटन हुआ है। और ऐसे कई प्लांट हमारे बन रहे हैं, मुजफ्फरपुर में 4 बन रहे हैं, अभी हमारे 4 प्लांट बनकर तैयार हैं, आरा में 2, गोपालगंज में वो 3 और भी होना है। तो आज मुख्यमंत्री जी इसके लिए विशेष तौर पर आए, पूरे सीमांचल के लिए, इस कोसी इलाके के लिए, किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात है कि यहाँ पर इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि वो आपको संबोधित करें। इन्होंने तो पूरी बात बता दी और सबसे बड़ी बात है कि ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि पहली बार इथेनॉल का उत्पादन यहाँ पर शुरू हुआ है। आप लोगों में से तो बहुत लोगों को मालूम होगा कि 2007 से ही हम लोग चाह रहे थे इथेनॉल के लिए, और उसके लिए बहुत बड़ा प्रस्ताव भी आया था लोगों का हम लोगों, लेकिन उस समय जो हम लोगों ने कुछ कानून बना करके अमेंडमेंट करके भेजा तो उस समय की सरकार ने इसको माना नहीं। लेकिन अभी जब 2019 में एक कार्यक्रम के सिलसिले में मालूम हुआ कि जब केंद्र सरकार ने अब कर दिया है, ये तय किया है, ये बड़ी खुशी की बात थी। हमने सब लोगों को पूरी जानकारी भी दे दी कि हम लोग 2007 में किस तरह से कोशिश कर रहे थे और कितना बड़ा ऑफर मिला था, लेकिन उस समय की सरकार ने इसको माना नहीं। अब आप लोगों के समय से हो गया, तब कोई भी चीज़ से होगा। अब किसी भी चीज़ से भी उत्पादन, जिसके बारे में उन्होंने बता दिया, मक्का का बता दिया और भी जितने भी जो पौधे हैं उसका सब कुछ तो ये सब बना दिया, आपका गन्ना का, इसका भी ना बता रहे हैं, चावल का भी, उसका जो टुकड़ा रहेगा उससे भी बन जाएगा, सब हो रहा। तो इसीलिए जो कुछ भी होने वाला है ये बहुत अच्छी बात है, और आज जो इनका काम जो शुरू हो गया है, इन लोगों ने आज हम लोगों को बुलाया और आपने हमको कहा कि भाई चलिए, तो हम चले आए, क्योंकि हम लोगों को भीतर से मन से खुशी थी कि जरा एक बार तो देख लें इथेनॉल अगर बनता है तो किस प्रकार से बना रहे हैं, कैसा लग रहा है। आज सब दिखा दिया, हमने इथेनॉल भी देख दिया कैसे पेट्रोल डीजल के साथ वो काम करेगा, और पहले तो 10%, अब तय हो गया 20% भी पेट्रोल डीजल में लगेगा। अब कितना पेट्रोल और डीजल बाहर से मंगवाना पड़ता है, अगर इथेनॉल बन जाएगा तो देश को कितना लाभ होने वाला, इसलिए बहुत अच्छा हुआ। और आज देख लीजिए, यही हमको अभी दिखाए इथेनॉल, हमको इतना अच्छा लगा देखने में यही इथेनॉल, तो इसी के लिए हम लोग इतना प्रयास शुरू से कर रहे थे। और जब ज्ञान अब आज हुआ तो पहला शुरू हो गया। अब जैसा भी माननीय मंत्री जी ने बता दिया कि साहब अनेक जगहों पर और भी पूरी तैयारी लगभग कर लिया है, तो वो सब तो शुरू ही होगा, लेकिन आप सोच लीजिए कि कितना ज़्यादा उद्योग का विस्तार हो रहा है और बिहार में, तो इसलिए बड़ी खुशी की बात है। इसलिए जब इथेनॉल का उत्पादन शुरू हो गया और उसकी स्थापित हो गई यहाँ पर कंपनी, तो हम लोग को बहुत प्रसन्नता हुई, काफी लाभ हो गया। बिल्कुल, किसानों को कैसे बाहर भेजना पड़ता है अगर उसको, तो उसको तो यहीं पर उसको हो जाएगा, उसको बिक्री हो जाएगी। अभी देख न रहे हैं बिहार में इतना उत्पादन होता सब बाहर चला जाता है, लेकिन हम लोग तो चाहते हैं कि और ज़्यादा हो, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो जाए इथेनॉल के उत्पादन के लिए और सब चीज़ स्वीकृति हो जाए तो कितना होगा, कितना रोजगार बढ़ेगा और 7 लाख लोगों का जो उत्पादन होता है उसका उनको फायदा होगा, सब तरह से होगा। तो देखिए अब शुरू हो गया है, ये बहुत खुशी की बात है। आप लोग भी आए हुए, आप लोगों को भी हम इस बात के लिए बधाई देते हैं कि सब देख लिया,
देख लिया और जरा इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को आप ही बताइएगा, तभी लोग जान पाएंगे। बताइएगा ही, हमको पूरा भरोसा है। सर, यूपी में लाउड स्पीकर उतारा जाए, बिहार में भी मांग कर रहे हैं लोग कि लाउड स्पीकर उतरना चाहिए। अरे छोड़िए ना वो सब चीज, एथेनॉल का बात करिए, वो सब सब बेकार चीज है। अब बिहार में हम लोगों का जो हम लोग किसी भी धर्म के बीच में कोई हस्तक्षेप करते हैं कभी नहीं, सबको अपना अधिकार है, करते रहते हैं अपना काम। चलिए चलिए।